हरिओम दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरी और एक न्यू वीडियो में। ऐसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो में दोस्तों एक जो कि बच्चे को पकड़े हुए कुछ इस टाइप का एक शिव जी की भगवान की मूर्ति बना रहे हैं। पहले तो हमने कुछ मिट्टियाँ ले लेंगे और उसी को स्क्वायर शेप में कुछ इस प्रकार से बना लेंगे, इसी को बेस्ट बना लेंगे दोस्तों। और इसी के ऊपर हमने बनाने वाले हैं शिव जी की मूर्ति। और पहले तो हमने इसी प्रकार से कॉयल बना लेंगे छोटा सा और उसी को कुछ सिंपल सा डिज़ाइन बना लेंगे। और उसके बाद बड़ा सा एक कॉयल बना लेंगे लंबा सा और उसी को दो भाग करके कुछ इस टाइप से दो पैर बना लेंगे और उसी को बीच में लकड़ी दे के वहाँ पे थोड़ा मिट्टियाँ दे के कुछ इस टाइप से पैर बना लेंगे। और अभी थोड़ा बहुत ऐसी टाइप से बॉडी का स्ट्रक्चर बना देंगे और उसी को भी वहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे पैर के साथ। तो इसी प्रकार से दोस्तों मिट्टियाँ देते जाएंगे थोड़ा बहुत पैर को टाइट, मतलब जिस टाइप से पैर होता है इसी टाइप से। और उसके बाद बना देने के बाद दोस्तों अभी हम जो कि बाकी खाल को बना रहे हैं, पहले तो हमने इसे पतला पतला स्लेब ले लेंगे और उसी को कुछ इस टाइप से बना लेंगे और सामने से कुछ इस टाइप से टूल की मदद से कट कर लेंगे और उसी को इस टाइप से बना लेंगे। इसी टाइप से दोस्तों बाकी खाल को भी बना लेंगे। बाकी खाल को बना देने के बाद अभी कमर में जो सावल होता है उसी को बना रहे हैं। कुछ इस टाइप से पतला सा सावल होता है उसी को कुछ इस टाइप से बना लेंगे और पतला सा स्लेब बना करके वहाँ पे चिपका करके टूल की मदद से कुछ इस टाइप से फोल्ड को बना लेंगे। उसी को बना देने के बाद अभी बना रहे हाथ को। हाथ को दोस्तों पहले तो हमने जैसे कि पैर को बनाए थे एक कॉयल से, उसी प्रकार का एक कॉयल बना लेंगे और उसी को कुछ इस टाइप से मोड़ देंगे, थोड़ा सा बेंड कर लेंगे और उसी को दोस्तों थोड़ा बहुत इसी टाइप से बना लेंगे। और उसी को उंगलियां भी कुछ इस प्रकार से जैसे बनाए उसी टाइप से बना लेंगे और उसी को ज्वाइंट कर लेंगे सूरज के साथ। एक हाथ को बना देने के बाद अभी जो बच्चे जो पकड़ के रखे होंगे शिव जी उसी को बना रही है दोस्तों। पहले तो हमने कुछ मिठाइयाँ ले ली है और उसी को कुछ इस टाइप से जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसी प्रकार से बना देंगे उसी को भी। और तो वीडियो में दिखा नहीं पाए दोस्तों, अभी बना रहे रुद्राक्ष को पतला सा पाल लेंगे और उसी को चिपका करके जो पेन की रिफिल खत्म हो चुकी है उसी को लेकर के कुछ इस टाइप से सिंपल सा डिज़ाइन बना लेंगे। और उसके बाद अभी बना रहे शिव जी का जो कि फेस को बनाने के लिए हमने थोड़ा सा मिट्टी ले लेंगे और उसी को कुछ इस टाइप से बना लेंगे। और एक बात दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो बहुत भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा आगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। मैं मिलता हूँ आप लोगों को वीडियो के अंत में।
लास्ट में बने रहे दोस्तों, जो कि रुद्राक्ष को जो कि हाथ में पहने हुए होते हैं उसी को बना देने के बाद दोस्तों हमारा मूर्ति जो है कम्प्लीट हो चुकी है। कुछ इस प्रकार दिखाई दे रही है फाइनल लुक में। आई होप कि आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।